तो गाइस आइए आप लोग भी मिठाई खा लिए, क्रीम चॉकलेट है। हाँ, लीजिए आप लोग खा लीजिए, आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम लोग खाएंगे। देखिए मम्मी हमें क्या बना दी है। तुम साइड पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो दोनों बहन आज के प्यारा ब्लॉग को अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। आज जो हमारा तोता फर्स्ट टाइम बोला है ब्लॉग से पहले ही चिम चिम करके, है ना, गुड मॉर्निंग बोल दो, समझिए गुड मॉर्निंग बोल दिया है। सुहानी सुबह सुबह मेकअप करने में लगी हुई है क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन। सुहानी गुड मॉर्निंग बोलो। है गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? यही कौन सा डिजाइन हुआ मजा बांधने का? ये मेकअप कर रहे हैं, बड़ी बहन से खाना बनवा रहे हैं। बताइए गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मॉर्निंग का टाइम है, खाना बना रहे, आप लोग भी खा लीजिए। भाई जस्ट अभी नहावा के बढ़िया तरीके से फ्रेश हो चुके हैं, ये दोनों के दोनों मूर्ति। मम्मी जी का आशीर्वाद है, तुम लोग भी आशीर्वाद दो जल्दी जल्दी। खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो। मम्मी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, मेरे बाप बेटा बेटी, एकदम मुस्कान के साथ सुबह के पहर एकदम गुड मॉर्निंग आशीर्वाद मम्मी दे रही है। इतना काम काज वाला है, सब अपना काम करिए धराधर एकदम। हाँ। रोजी रोजी और आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप आगे बढ़ाते रहिए, आशीर्वाद आशीर्वाद भरपूर है मम्मी की तरफ से। तो गाइस मम्मी जी जा रही है अभी गंगा जी का स्नान करने के लिए, जो रागिनी दीदी के शादी का कुछ विधि विधान था उसको वहाँ पे रखने के लिए ना। तो चलिए मम्मी नहावा के आते तो फिर खाना ना खाएंगे। जब तक मम्मी जी गई है स्नान करने के लिए, अजय भैया पे कॉल कर दिए हैं, आराम से वीडियो को अपलोडिंग पे लगा दिए। कॉल करने से ये होता है ना गाइस कि देखो एमबी का स्पीड जो है बहुत ही तेजी में बढ़ जाता है, इसलिए जो हमारा फायदा हो जाता है वीडियो जल्दी अपलोड हो जाता है। देखो कितनी स्पीड में हो रहा है। तो गाइस अभी खाने में निकला हुआ है भुजिया और रोटी, जब अभी तक मम्मी आई नहीं तो मैं बहुत तेज से भूख लगा, तो मम्मी जी बोली थी खाना खा लेना, आप लोग भी ये खाना खा लीजिए। एकदम धीमे से बोले खाए, खाना खाए। अच्छा ठीक है ठीक है, आराम कीजिए। कहीं जा रहे हैं कि आप ये जाइएगा? तो मम्मी आएंगे तब ना। डॉक्टर साहब आए नहीं, अभी तुरंत निकल रहे हैं, अभी बोल रहे कि हमको ड्यूटी पे जाना है। ठीक है निकल जाएगा, सही से रुक जाइए, हम आते, मम्मी आते हैं ना तब निकल, अभी छोड़ दिए मम्मी तो आ देते हैं। मम्मी तो ठीक, अब ये भी जा रही घर को खाली करके, सब घर को सुनसान करके जा रही सब के सब। मेहमान जी से खाना पूछने के लिए तो निकलने की तैयारी बना ली है, चलिए ड्यूटी पे भी जाना उनको जरूरी है। तो गाइस फिलहाल मेहमान जी को गाड़ी पकड़वा दिए क्योंकि ड्यूटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल के टाइम में, बेरोजगार बैठना सही बात नहीं होता है। तो चलो चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा घर जो है ना सुनसान सा हो जाता है। जी गंगा जी से स्नान करके आ चुकी है मम्मी, हमको तो डर लग रहा था इतना भरा हुआ पानी है गंगा जी में स्नान करने के। बस वारी फंसाने गए थे गंगा जी, ये माता गंगा की तरफ से आशीर्वाद। हम जा ही नहीं पाते, हम इतना बिजी रहते हैं। अभी देखो मम्मी गई थी अपना स्नान करने के लिए और हम यहाँ पे ब्लॉग में लगे हुए अपना थंबनेल वगैरह बनाने में, तो प्रसाद खिला देते हैं गंगा जी का, खा लीजिए आकर के, बेटा बेटी भाई बहन जितना है सब प्रसाद खा लो। तो गाइस अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और मम्मी जी को जो लीख ढील होता है ना, आप लोग लीख ढील जानते हैं कि नहीं कमेंट करके बताना, गाँव में ढील और लीख बोला जाता है, और रागिनी हेरने के लिए आई है सिर्फ स्पेशल। हाँ एक को ढील मिला कि नहीं ले तिल। हे भगवान। तो गाइस जस्ट मैं अभी सो करके उठा हूँ, मम्मी पानी लेकर के जा रही है नीचे, अपना बकरा का इतना ख्याल रखती है कि एक बाल्टी पानी मम्मी जी दे दी है, पानी पिलाएंगे ना ले खरगोश के सुगा को मुर्गा को सबको पिलाएंगे पानी। इधर देखो, अरे वाह इतना ज्यादा मेहनत करती है बेचारी, सारा कपड़ा को धुले जाएगी। देखिए तो गाइस आप लोग का भी कपड़ा होगा तो आकर यहाँ पे रख दीजिए, हम धुल देंगे। अब रागिनी के लिए ठीक है, रागिनी खाना खा रही है और सुहानी काम कर रही है। ठीक है, रागिनी को कितना काम करना पड़ता है बताइए तो। हाँ भी तो कपड़ा धुल देते हैं, तुम्हारा नहीं धुलते हैं तनी उठे तो नहीं धुलते थे हम कपड़ा। अभी बुढ़िया हो गई था तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं पढ़ के आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिए
दीदी के लिए गुलकंडी घर दी हूँ और जा रहे हैं दीदी को देने, क्योंकि दीदी का तबियत चल नहीं है इसलिए। और यहाँ पे देखिए गुलकंडी का डिब्बा रहा है गिरा, क्योंकि ये भैया के लिए आया था और दीदी को भी घर के दे रहे हैं और दीदी भी पिएगी, जा रही है लेकर जा रही है नीचे और अभी दीदी को देंगे और दीदी पिएगी। बहुत ही अंधेरा है, चलते हैं दीदी के पास। और यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी सी दीदी यहाँ पर रही, थैंक यू। ओके, और दीदी एक भी काम नहीं करेगी, सारे सारा काम करेंगे। और भैया बोले हैं जाओ ब्लॉग बना लो दीदी के साथ, यहाँ पर मेरी प्यारी सी दीदी क्या घर पे आप लोग देखिए। तो दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग, बढ़िया होंगे शाम के टाइम में। तो अब हम लोग सोच रहे हैं ना कि आपको पार्टी वाला व्लॉग दिखाए, क्योंकि मेहमान जी तो चले गए होंगे। क्योंकि आप लोग कमेंट करने से पहले मैं बता दूं, जिस दिन रागिनी दीदी आई थी तो उसी टाइम ये मोमेंट हो गया था। रागिनी दीदी मिठाई लेकर के आई थी, सभी लोग खिला रही थी, हमने सोचा कि चलो एक ब्लॉग और एक प्यारी सी खुशियाँ आप लोगों के साथ भी बांटे। क्योंकि जो भी छोटी मोटी पार्टी होता है, क्योंकि जब राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया था तब सबसे पहले हमने 10,000 का सब्सक्राइबर था, उस टाइम हमने केक काट के सेलिब्रेशन किया था। जो हालांकि अभी के टाइम पे काफ़ी सारे ब्लॉगर इस चीज़ को इंस्पायर होकर करते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है, उनसे बात होता है, बोलते भैया मैं आपसे सीख करके ये सब चीज़ें किया हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप भी कोशिश करें, अपने लाइफ में एक ब्लॉगर हैं तो कुछ अच्छा यूनिक करने का, और छोटा सा ही खुशियाँ से ही अपने माता पिता को दीजिएगा केक काटने के लिए। मिठाई जो है सेलिब्रेशन वाला रखा हुआ था, कल आया था तो दो मिठाई मम्मी दी थी, ऐसा लग रहा है ना ओरियो बिस्किट है। तो ये अभी हम खाने पे इतना ज़्यादा मीठा खा ही नहीं पाए, यहाँ पे आम है तो फिलहाल हम आम खा लेते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। आप लोग भी आओ खा लो, जो भी सुहानी ले हाँ खा भी नहीं करेगी, इतना मीठ खाई है। फिर इसमें फिर ये देखो आप लोग, कैमरा में बोले उन्हें दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ थोड़ी सा झुक जा, कर दे तो गाइस ये देखिए मेरी जी आम खा रहे भैया, खाई लो खाई लो। कहाँ गिर गया सारी, अच्छा हुआ अति लगी 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 से लगी से लगी निकालो लगी निकालो। तो फिलहाल अभी रागिनी जो है यहाँ पे अपना व्लॉग देख रही है काफ़ी दिन बाद, क्योंकि इसका फ़ोन हो चुका था ख़राब, इसका फ़ोन का बैटरी चेंज करवाना है। चलो गाइस ऊपर सारी आ गया है, धुल दो जा कर के उसको। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मम्मी को पैर रंग रंगा से और अल्ट्रा से भी रंग दिए हैं सानी, और मम्मी को खाना खिला रहे, खुद खा रही सानी। हाँ वीडियो बना रहे हैं, दोनों बेटी मिलकर के सेवा कर रही है माता रानी का। सोहानी बोले थे जो बचपन से हमको तेल फूल लगा करके खाना खिला करके सियान कर दी, तो आज मम्मी को हम खाना खिलाते हैं। ले हाय खा ले ना, हम नहीं खाएंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे तो खाएंगे, अभी आएंगे तो खाएंगे। अरे पेट दर्द हो रहा है, फिर हमको लेटिंग जाना है अभी, जब खाने के लिए बोलता है तो कहता हमको लेटिंग लग गया। तो गाइस इधर मम्मी दे रहे मुर्गियों को खाना और अभी हमें रील शूट करना है, अभी हम हो गए रेडी। इधर अभी दोनों बहन भी रेडी, और रेडी होने के बाद भी इसका ढेल हेर रही है। क्या हालत है? चलो रील शूट करें, कपड़ा को साइड कर दो हल्का हल्का सा, सुहानी तुम साइड कर। जस्ट अभी रील शूट किए हैं और देखिए कौन सा रील शूट किया, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये आपकी प्यारी बहन सुहानी एक्टिंग की है फिर से दोनों बैठ के ढील हेरने के लिए, पता नहीं कितना माथा में इसका जुआ है। क्या बात हो, हाँ क्या बात हो, क्या तो कहना ही सुझाता का सुझाता। अभी दोनों बहन मिलकर के खाना बनाएगी है ना, वैसे रागिनी दीदी का तबीयत ठीक नहीं है, ये बहुत काम करवाती है, जुआ देखे माथा में नहीं है मेरे माथा में, ये देखे ये है ये देखे देखेगा ये है ये देखो ये देखो जुआ है इसके माथा का। जाओ खाना बनाओ फटाफट गर्मा गर्म, और इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लो, बढ़िया बढ़िया रील्स अपलोड करते हो, वहाँ भी जो है 2 लाख का फैमिली होने वाला है।
आप लोग की सपोर्ट की वजह। देखिए मम्मी क्या लेके आई है रखने के लिए, सेवई। और क्या है ये? 5 रुपये वाला साबुन, 10 रुपये का साबुन। अच्छा 10 रुपये वाला साबुन है। और ये क्या है? ये है साग का बिच्चा, खेत वाला बारी में लगाएंगे। गाइस देख सकते हो मेरे फेस पे जो है ना हल्का हल्का दाना आ गया है, तो हम सोच रहे हैं क्रीम लगा के अब गोरा हो जाए। देखिए नौटंकी आवाज, ये नौटंकी इसका चलता रहता है घर में। ये पाउडर मम्मी ला के दिए हमें लगाने के लिए, बाकी ये इवनिंग का टाइम है, तो चलो पार्टी को स्टार्ट करते हैं। देखिए मम्मी हमें क्या बना दिए। क्रीम पाउडर लगा दिए फेस ठीक करने के लिए। मम्मी टीका उका कर दे तो बुआ बना दे, तो खुद में खिला दे। सुहानी बोले कि मम्मी टीका उका कर दे, बुआ को बना दे भैया को, है ना। तो अभी खाना बन रहा है, रागिनी अपना आटा सानने में लगी हुई है, सुहानी अपना मलकिनी दिखाने में लगी हुई है। और अभी का सीन ऐसा है कि पार्टी को मैं स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को भी इन करना है गाइस, है कि नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। बनेगा दाल का पूरी जो हमारी सुहानी बढ़िया तरीके से पीस रही है। और यहाँ पे निकला हुआ है आलू का सब्जी, और पूरी बनेगा उसके लिए आटा सना हुआ है, और यहाँ पे बन रहा है प्यारा सा सेवई। तो गाइस फाइनली दाल को पीसा जा चुका है, अब इसको बढ़िया से भूजा जाएगा ना रखने, तब जाके पूरी के अंदर डाल करके स्वादिष्ट पूरी बनाया जाएगा। गाइस अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, जैसा कि आप लोग मॉर्निंग से ब्लॉग देख ही रहे हो कि रागिनी दीदी, तो कल वाले ब्लॉग में आप लोग देख लिए थे कि आ ही गए थे घर पे। तो आज जो हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, यानी बीए पार्ट टू में जो पास हुए हैं उस चीज का, तो अभी मम्मी को, पापा जी तो है नहीं, पापा जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे। एक मिनट, कितना ज्यादा लाइट कर रहे हैं बताइए, iPhone 13 Pro Max से शूट करने का ये नतीजा होता है, आप लोग बताइए गाइस। अच्छा चलो भाई देवी कैसा भी क्वालिटी, बस हम तो है ना आपके साथ में। तो अभी मम्मी को और मेहमान जी को और आपकी प्यारी बहन सुहानी को सब लोग बढ़िया से आपस में मिठाई बांट कर खाते हैं। तो गाइस पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ गई, ये रागिनी, ये हमारे मेहमान, आपकी प्यारी बहन छुटकी, मम्मी, तो सब लोग बढ़िया से मिठाई खाते हैं। मिठाई कहाँ है? मिठाई निकालो जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ आईफोन की खुशी में और पास में रिजल्ट की खुशी में, बीए पार्ट टू में हम लोग पास हो गए हैं, इसलिए रागिनी मिठाई लाई है। अब फ्री में जाने वाले हैं, और रागिनी यहाँ से फ्री होकर चले जाएगी। तो गाइस जाइए आप लोग भी मिठाई खा लिए, क्रीम चौकला लीजिए, आप लोग खा लीजिए। बीए पार्ट टू का रिजल्ट हम लोग आ गया था, इस खुशी में खिलाओ भैया। आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम लोग खाएंगे, खाने के बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल मम्मी को खिला दीजिए, रागिनी अपने हाथों से खिलाएगी। तो बस आप लोग आशीर्वाद देते रहो, मेरे को आशीर्वाद देते रहो, रागिनी भी अच्छे से अपना पढ़ी लिखे। रागिनी का कहना ये है कि आपको हमसे ज्यादा रिजल्ट क्यों आया, तो हम इससे बड़े हैं तो बड़ा रिजल्ट आएगा ना मेरा नंबर। ज्यादा लिखते हैं, हम सोचते थे कि हम फेल हो गए, रागिनी से कम लाएंगे, लेकिन पता चला मेरा ही नंबर आया बहुत ज्यादा। ये पढ़े उड़े कुछ नहीं थे, बस लिख के चले आना है वहाँ पे, ये सीन था। रागिनी पढ़ी थी, खूब डांटे थे, नहीं पढ़ते, हम ही ज्यादा नंबर ले आए। तो बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अपना फैमिली के साथ अपना पार्टी के छोटा सा कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट करें, बगल में इंस्टाग्राम जाकर के फॉलो कर दीजिए, और बढ़िया से आशीर्वाद दीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।